महादेव ऑनलाइन सट्टा घोटाले में बड़ी खबर है, गिरफ्तार पुलिस आरक्षक सहदेव ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश। एसीबी ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया गया है आरोपी को। 25 तारीख तक के लिए रिमांड पर भेजा गया है सहदेव। हाल ही में निलंबित आरक्षक सहदेव को बर्खास्त किया गया था। महादेव ऑनलाइन सट्टा घोटाले में बड़ी खबर, गिरफ्तार पुलिस आरक्षक सहदेव ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश हुआ है। एसीबी ईओडब्ल्यू कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया। गिरफ्तार पुलिस आरक्षक को 25 तारीख तक के लिए रिमांड पर भेजा गया है सहदेव। हाल ही में निलंबित आरक्षक सहदेव को बर्खास्त किया गया था। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में लगातार कार्रवाई हो रही है। ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और आज गिरफ्तार पुलिस आरक्षक सहदेव को ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया गया है। 25 तारीख तक के लिए रिमांड पर भेजा गया है सहदेव, हाल ही में जो कि निलंबित हुआ था। अंदाजा लगा सकते हैं आपकी पुलिस कर्मियों की संलिप्तता। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप, कई बड़ी हस्तियों के नाम इससे जुड़े। आरक्षक सहदेव ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश हुआ। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग, हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, अब रिमांड पर भेजा गया है सहदेव को, जाहिर सी बात है कड़ाई से पूछताछ होगी, और भी कई खुलासे होने की उम्मीद। बिल्कुल, 25 तारीख तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया सहदेव को। सुमित और जो भीम यादव, अर्जुन यादव, सहदेव यादव, तीन भाई, 20 से ज़्यादा पैनल, 100 करोड़ से ज़्यादा अनुमानित जो है ट्रांजेक्शन्स का, जो ये पूरा महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामले पर इन लोगों के ऊपर आरोप है। शिकंजा तीनों भाइयों पर कस चुका है। तीसरा भाई जो लंबे समय से फरार था, उसे पकड़ लिया गया और एक बार फिर से पूछताछ के लिए जो है पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है 25 तारीख तक के लिए। बहुत सारी चीज़ें बाहर सामने निकल कर आएंगी और ये जो लगभग कथित रूप से दिन का 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन, ओवरऑल कई हज़ारों करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, इसमें जो कई हज़ारों करोड़ का लाभ अर्जित किया गया है, जो कथित रूप से, चाहे सौरभ चंद्राकर की बात कर लीजिए, चाहे वो रवि उप्पल की बात कर लीजिए जो प्रमुख इसके आरोपी हैं, इन तमाम लोगों की धड़कनें तेज़ हो गई हैं और लगातार एसीबी ईओडब्ल्यू का शिकंजा कसता जा रहा है। सुबह नीतीश, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद।